आपने सबसे पहले एक स्पोर्ट स्कूल खोला अपने दादाजी के नाम पे, और उसके बाद जब आपको मार्केट में शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा था तो अपने खिलाड़ियों को देने के लिए अपने डेयरी फार्म का स्टार्ट किया आपने। स्कूल आपको बता दूं, जी स्कूल पढ़ाई के लिए भी है। अच्छा, पढ़ाई के लिए ही खोला गया था वो, तो हॉस्टल स्टार्ट हुआ, फिर डेयरी, धीरे धीरे बच्चे बढ़े तो स्पोर्ट्स में ज्यादा घुसने लग गए बच्चे, तो इसलिए नाम फेमस स्पोर्ट्स नाम से हो गया स्कूल का, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल। जी जी, वैसे पढ़ाई में अपना जी जी अच्छी रैंक पे जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने आपके स्कूल के बारे में सुना है, काफी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर जैसे विनेश फोगाट वगैरह यहाँ से निकले हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने बड़े बड़े शहरों में लोगों को जो है बड़ी ऊंची से ऊंची इमारतों में, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने पशुओं को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हुए देखा है? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं चौधरी प्रताप सिंह मेमोरियल डेयरी फार्म, और इनका एक स्पोर्ट कॉलेज भी है दोस्तों, जहाँ पे पहलवानों को शुद्ध दूध देने के लिए ये डेयरी फार्म का स्टार्ट हुआ था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं खड़ा हूँ ये चौधरी प्रताप सिंह नंबरदार डेयरी फार्म खरखौदा में, इस समय मैं खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो डेयरी फार्म है ये बहुत ही हाईटेक है, और ऐसा डेयरी फार्म आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा दोस्तों। तो आज यहाँ के जो ऑनर हैं, मैं उनसे मिलने वाला हूँ, किस तरीके से इस डेयरी फार्म का मैनेजमेंट किया जा रहा है, ढेर सारी बातें जानेंगे। और दोस्तों, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये तीन महले का जो है डेयरी फार्म कैसे होता है, पशु कैसे चढ़ते हैं, और इतना अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। मैं जी प्रशांत प्रताप, मेरे दादा का नाम है जी, जिनकी याद में हमने स्कूल खोला, उसके बाद डेयरी खोल ली। ठीक है। हाँ जी। तो सर, कौन से साल में ये स्टार्ट हुआ, ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? पहले सर स्कूल खोला था हमने 2000 सन में। ठीक है। तो दूध मतलब पहले फिर हॉस्टल खोला हमने जी जी, तो दूध लेने बाजार से लेने लग गए तो वो चीज़ मिली ही नहीं। ठीक है। तो फिर 4-5 भैंसे बांध दी धीरे धीरे जी जी, तो फिर हॉस्टल में बच्चे जैसे बढ़ते गए तो यहाँ पे खेत में आके अपना 2004 में फार्म स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो सर, कितने भैंसों से स्टार्ट हुआ और वर्तमान में आज आपके पास कितने पशु हैं? तब स्टार्ट में तो 15-20 पशु थे जी। ठीक है जी। तो धीरे धीरे कुछ वे बढ़ते गए, कुछ नए आते गए, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे ग्रोथ होती गई डेयरी की। आज कितने पशु हैं सर आपके आज पास? हमारे पास जी 500 प्लस हैं अभी। 500 प्लस हैं। ठीक है। और कितने लीटर दुग्ध का उत्पादन डेली हो रहा है आपके? 3000 लीटर का। 3000 लीटर। प्रशांत जी आगे बढ़ते हैं, बड़ा दिलचस्प है आपका ये डेयरी फार्म का मॉडल, ये तीन महला डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर बनाने का विचार कैसे आया, तो कब स्टार्ट किया? भाई ये विचार जैसे पिताजी को आया था जी, जब पिताजी ने बनाया सारा जैसे भी, ठीक है। तो क्या था, एक तो ऊपर हवा अच्छी लगती है, ठीक है जी। नीचे बिचा बिचा हो जाता पूरा, तो हवा के लिए अच्छा हो गया, मतलब वेंटिलेशन अच्छा होता है, ठीक है। और ठंड में जैसे अभी दिन में धूप में बैठे हैं अभी पशु ऊपर, ठीक है जी, तो उसके लिए बेस्ट है ये। और जगह का यूज हो गया, एक ही जगह जैसे अभी सामने देख रहे हो आप, इधर ऊपर नीचे फ्लोर है, ये नीचे नीचे ज्यादा जगह घेरते हैं, ठीक है जी। ठीक है। तो कम जगह में ज्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। तो सर, ऊपर चढ़ने में पशुओं को कोई दिक्कत ना, परेशानी ना, कोई नहीं, परेशानी नहीं जी, भाग के अपने आप चढ़ते हैं, अपने आप उतरते हैं, मतलब अभी वो अपने आप हो ही, अपने आप ही। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, उनको खुद जाते हैं खुद आते हैं, ठीक है। सर, हमने सुना है कि आप जो है अपना फीड अपना चारा खुद तैयार करते हो ऑर्गेनिक तरीके से, तो किस तरीके से आप खेती करवा रहे हो चारे के लिए? खेती करते हैं, एक तो जैसे इनका वेस्टेज है जो अपना गोबर है और है, वही यूज खाद के यूज में यूज करते हैं, मतलब आप जैविक खेती करवाते हैं, ठीक है। और अपनी वर्मी कंपोस्ट खेती कर लेते हैं, ठीक है जी, तो उसका यूज करते हैं। और जो भी ये वेस्टेज है ना, नहाने का इनका फर्श साफ करता है, इनका वेस्टेज तालाब बना हुआ बैक साइड में जी जी, तो वो पानी जाता है और उसके साथ साफ पानी मिलके खेतों में जाता है, ठीक है, ठीक है। और इनके लिए हम 100 एकड़ से ज्यादा की खेती करते हैं पशु पशु के लिए, ठीक है जी। ठीक। आपने सबसे पहले एक स्पोर्ट स्कूल खोला अपने दादाजी के नाम पे, और उसके बाद जब आपको मार्केट में शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा था तो अपने खिलाड़ियों को देने के लिए अपने डेयरी फार्म का स्टार्ट किया आपने। स्कूल आपको बता दूं, जी स्कूल पढ़ाई के लिए भी है। अच्छा। पढ़ाई के लिए ही खोला गया था वो, तो हॉस्टल स्टार्ट हुआ, फिर डेयरी, धीरे धीरे बच्चे बढ़े तो स्पोर्ट्स में ज्यादा घुसने लग गए बच्चे, तो इसलिए नाम फेमस स्पोर्ट्स नाम से हो गया स्कूल का, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल। जी जी। वैसे पढ़ाई में अपना
जी जी अच्छी रैंक पे है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने आपके स्कूल के बारे में सुना है, काफी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर जैसे विनेश फोगाट वगैरह यहाँ से निकले हैं। हाँ जी हाँ जी जी। कई गेम अपने पास, 27 गेम सर। अच्छा 27 गेम। हाँ जी सर ठीक है। प्रशांत जी आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है, दूध का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या रेट यहाँ पे मिल जाता है और कितना एक लाभ जो है आप इस डेयरी फार्मिंग से कमा लेते हैं। पहले तो जी हमने लाभ कमाने के लिए नहीं खोला था डेयरी फार्म। ठीक है जी। क्या था अपना बच्चों के लिए बताया आपको स्कूल है इसलिए डेयरी फार्म खोला। तो अब जैसे आसपास के लोग हैं भाई ये चाहिए उनको प्योर दूध चाहिए राइट घर के लिए सब चाहते हैं ये राइट। तो उनकी डिमांड आने लगी तो थोड़े पशु और बढ़ा के उनका करने लगे काम। ठीक है। अभी क्या रेट मिल रहा है सर यहाँ पे? यहाँ जी भैंस का दूध अभी 100 रुपए लीटर जा रहा है। ठीक है जी। और गाय का 70 जा रहा है। 70 रुपए जा रहा है ठीक है। और अपना इसका प्रोसेसिंग यूनिट और वैल्यू एडिशन में आपने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए अपने दूध से? अपने दूध से जी घी पनीर। ठीक है। अच्छा एक लॉकडाउन में क्या हुआ हम स्कूल बंद हो गए थे तो हम कुछ नहीं कर पाए उस दूध का, फिर घी बनाते रहे। जी जी। तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुला, स्कूल फिर भी बंद थे तो है। हमने स्वीट्स का आउटलेट खोल दिया था लॉकडाउन के। ठीक है जी। तो फिर उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है जी। ठीक जी। तो दोस्तों आइए देखते हैं चौधरी प्रताप सिंह नंबरदार डेयरी किस तरीके से है, इनका पूरा सेटअप आपको मैं दिखाता हूं। प्रशांत जी अभी काफ़ी यंग हैं और ये इनकी तीसरी पीढ़ी है दोस्तों। इनके दादाजी के नाम से ये डेयरी फार्म खोला गया और इनका बहुत ही मशहूर खरखोदा में एक स्पोर्ट स्कूल भी है इनके दादाजी के नाम से। बेसिकली डेयरी फार्म इन्होंने बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, खिलाड़ियों की जो है डाइट को पूरा करने के लिए खोला था और इतना बड़ा नाम आज इनका बन गया है, लोग इनके मॉडल को देखने आते हैं, सीखने आते हैं दूर दूर से। तो आइए चलते हैं इनके पूरे डेयरी फार्म में, एक एक चीज़ को जानेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देखिए अंत तक, आपको भी ढेर सारी जानकारी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड मिलने वाली है।